मणिपुर में दलदली भूमि कुल भूमि क्षेत्रफल का लगभग 6.8% क्षेत्रफल है। ये दलदली भूमि लोकताक लेक जो कि सबसे बड़ा क्षेत्र है, फूम लेन, लामजाओ, खोईडम, खारूंग, इको और वेथो आदि क्षेत्र में पाई जाती है। इस वेटलैंड और दलदली भूमि में पाई जाने वाली आम प्राकृतिक वनस्पति जैसे वाटर चेस्टनट, एरोहेड, वाटर स्पिनिच, फिश मिंट, स्मार्ट वीड्स, क्लोवर और लोटस आदि पाए जाते हैं। इन सभी को देखते हुए हमने छोटे भूमि धारक किसानों के लिए दलदली भूमि को खेती योग्य भूमि में रूपांतरण किया है, जो इस सेंट्रल फार्म पर किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में बोला था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। उसको देखते हुए हमारे माननीय केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अनुपम मिश्रा जी ने नवंबर 2020 में सेंट्रल फार्म में स्थित 15 हेक्टेयर वेटलैंड और दलदली भूमि को कृषि योग्य भूमि में रूपांतरण करने के लिए कल्पना सोची थी, जो आज के दिन पूरी दलदली भूमि कृषि योग्य भूमि में रूपांतरण हो गई है। यह भूमि लैम्फलपट में स्थित सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सेंट्रल फार्म में लगभग 15 हेक्टेयर भूमि है, जो पानी की जलमग होने के कारण अप्रयुक्त थी। सेंट्रल फार्म की जगह मेरी कॉम रोड लैम्फलपट इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। पिछले 3.5 वर्षों में माननीय कुलपति डॉक्टर अनुपम मिश्रा के मार्गदर्शन में इस क्षेत्र को विकसित किया गया और इस सेंट्रल फार्म को विकसित करने में प्रोफेसर इंदिरा सारंगथम डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के नेतृत्व में एक टीम बनाकर किया गया, जिसमें फार्म इंचार्ज डॉक्टर सरवण मनभर हल्दर, विभागाध्यक्ष एंटोमोलॉजी कृषि कॉलेज और स्टेट प्रभारी श्री चित्तरंजन सिंह जी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर का सहयोग रहा। इस सेंट्रल फार्म का उद्घाटन मणिपुर के माननीय मुख्यमंत्री श्री एन बीरेन सिंह जी द्वारा जनवरी 2021 में आयोजित कृषि मेले के दौरान किया गया। पिछले 3 वर्षों में हमने सेंट्रल फार्म की इस खेती योग्य भूमि से लगभग 30 लाख का रेवेन्यू उत्पन्न किया जा चुका है। इस सेंट्रल फार्म के मुख्य घटक नेचुरल फार्मिंग मॉडल यूनिट, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम यूनिट, एग्रो इको टूरिज्म साइट, प्रायोगिक अनुसंधान क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, प्रदर्शन क्षेत्र और ऑयल पाम प्रदर्शन इकाई आदि उत्कृष्ट क्षेत्र है। सेंट्रल फार्म के 15 हेक्टेयर वेटलैंड और दलदली भूमि क्षेत्र को ट्रैक्टर और जेसीपी का उपयोग करके संकन बेड, रेज बेड और फिश पॉन्ड से युक्त खेती भूमि में बदल दिया गया है। कृषि योग्य भूमि में रूपांतरण के लिए हमने 5A अप्रोच का प्रयोग, जैसे एग्रीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, एपीकल्चर, एक्वाकल्चर एवं एनिमल हस्बेंड्री का उपयोग किया है। वर्तमान में सेंट्रल फार्म में मछली और पानी के पौधों के लिए 15 संकन बेड है, सब्जियों और फलों के लिए 17 रेज बेड है और मछली उत्पादन के लिए 20 से अधिक तालाबों का निर्माण किया गया है और एग्रोनॉमी व उद्यानिक की फसलों और पशुपालन के लिए लगभग 4 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र बनाया गया है। प्राकृतिक खेती को विकसित करने में सेंट्रल फार्म पर 5A अप्रोच मींस एग्रीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, एपीकल्चर, एक्वाकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री आदि को अपनाया गया है। प्राकृतिक खेती मॉडल के तहत हमने 4 तालाब बनाए हैं, जिसमें मछली मींस एक्वाकल्चर और डकरी की खेती की जा रही है।
इसमें विभिन्न प्रकार की मछली जैसे सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, नातोन, रोहू, मृगल, कॉमन कार्प, पेंगबा एवं कटला आदि मछली की प्रजाति छोड़ी गई है, जिनकी संख्या 10,000 से अधिक है और इनसे प्रति वर्ष 3 से 4 लाख की इनकम होती है। मणिपुर की स्थानीय स्वदेशी डक की खेती भी इस प्राकृतिक खेती में एकीकृत की गई है। डकरी फार्मिंग से अंडे, मांस और खाद मिलता है। प्राकृतिक खेती मॉडल में दूध, देसी गोबर, गोमूत्र के लिए स्वदेशी गायों और साहिवाल नस्ल की गायों को भी खेत में रखा गया है। प्राकृतिक खेती मॉडल में बहुत सारी वर्मी कंपोस्ट इकाइयां बनाई गई है, जिसमें देसी गोबर, फार्म का कचरा और गाय का गोमूत्र का उपयोग किया जा रहा है और उन्हें कंपोस्ट में बदल रहे हैं। प्राकृतिक खेती मॉडल में गाय के गोबर और गोमूत्र से बीजामृत, घनामृत, जीवामृत, अग्नि स्तर और ब्रह्म स्तर बनाए जा रहे हैं, जो कीट प्रबंधन और फसल पोषक तत्व प्रबंधन का संरक्षण करते हैं। इस प्राकृतिक खेती इकाई में देसी मधुमक्खी एपिस सेरेना हिमालयन के 100 से अधिक बक्से रखे गए हैं, जिनसे जैविक शहद, प्रोपेलिस, परागकण और वैक्स प्राप्त होते हैं। इस देसी शहद में उच्च प्रोलीन, फ्लेविनोइड और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो मनुष्य के शरीर में बीमारी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और इस शहद की बाजार में कीमत 1,000 रुपए से अधिक प्रति किलोग्राम होती है, जो बीकीपर्स के लिए फायदेमंद होता है। और इस प्राकृतिक खेती इकाई में तालाबों की परिधि के साथ अलग अलग फलों की फसलें, सब्जी की फसलें और मौसमी फूल उगाए जाते हैं, जैसे बनाना की किस्म ग्रांड नेने, पपाया की किस्म रेड लेडी, मैंगो की किस्म आम्रपाली, सपोटा की किस्म क्रिकेट बॉल और अनार आदि लगाए गए हैं। इस डिमोस्ट्रेशन प्रणाली इकाई लगभग 2 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित की गई है, जिसमें 10 रेज बेड है और 10 संकन बेड है, जिनमें तीनों मौसम में विभिन्न प्रकार की पानी में उगने वाली फसलें और रेज बेड पर उगने वाली फसलें ली जाती है, जैसे ब्रोकोली, ब्रेसिका ओलेरेसिया किस्म इटालिका, केबेज किस्म ग्रीन मैजिक, ट्री बीन के साथ कोरिएंडर, ओकरा, अबेल मोस्कर एस्कुलेंटस, स्ट्रॉबेरी की किस्म चंड्रर, एप्पल की किस्म अन्ना, बनाना की किस्म G9 व ग्रांड नेने, टर्मरिक जिंजर जो कि लोकल उगाई जाती है, मस्टर्ड, ब्रिंजल, ड्रैगन फ्रूट, मैंगो की किस्म मलिका, लीची की किस्म शाही, कचाई लेमन आदि फसलें रेज बेड पर उगाई जाती है और एरोहेड, वाटर स्पिनिच, वाटर मामोसा, लोटस एवं लिली आदि संकन बेड पर उगाई जाती है। सेंट्रल फार्म के बीच में एक पर्यटन स्थल एग्रो इको टूरिज्म बनाया जा रहा है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों का कल्चर और उनकी कृषि को दिखाया जा रहा है। इस परिसर में आराम करने के लिए घर पारंपरिक तरीके से बनाए जा रहे हैं और साथ में सब्जी व फलों के बगीचे लगाए जा रहे हैं, जिसमें गोभी, फूल गोभी, पालक, कजानिया, धनिया, बोक चोय, केला, मैरीगोल्ड, सौंफ, अलोकेसिया, डिल, क्राइसेंथेमम, आलू, मटर, सरसों, एस्टर, प्याज, एलियम एवं टमाटर जैसी सब्जियां उगाई जा रही है।
इस सेंट्रल फार्म में ग्रीन हाउसेज और पॉली हाउसेज का भी निर्माण किया जा रहा है और अभी ही हमारे पास दो ग्रीन हाउस है जिनके अंदर संरक्षित खेती की विभिन्न फसलें उगाई जाती है और आगे समय में हम 3-4 ग्रीन हाउस और पॉली हाउस और लगाने वाले हैं, जिनमें किंग चिली जो कि नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में मिर्ची की लोकल किस्म है और टमाटर खीरा आदि इस संरक्षित खेती में उगाए जाएंगे। इसी सेंट्रल फार्म में विभिन्न एक्रिप्स के भूखंड भी आवंटित किए गए हैं, जिनमें रिसर्च की ट्रायल लगाई जाती है, जैसे एग्रोनॉमी समेत प्रशिक्षण प्रक्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक खेती के आधारित फसल प्रणालियों को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें इस बार गेहूं की एक्रिप ट्रायल लगाई गई है जिसमें गेहूं की विभिन्न किस्में उगाई गई है और देखा जा रहा है कि इस क्षेत्र में कौन सी किस्म अच्छी रहेगी। और दूसरी ट्रायल में गेहूं की बुआई का समय निर्धारित करने के लिए उगाई जा रही है। इस गेहूं के प्रक्षेत्र में स्प्रिंकलर पद्धति को अपनाने के लिए विभिन्न प्रकार की ट्रायल लगाई जा रही है। विभिन्न केंद्रों से प्राप्त प्रजनन सामग्री को भी इस भूखंड में लगाया गया है। इसी सेंट्रल फार्म के प्रवर्तित भूमि में रेप सीड मस्टर्ड की ट्रायल भी लगाई गई है, जिसमें CAU RM1 को बीज उत्पादन के लिए लगाया गया है। रेप सीड मस्टर्ड की विभिन्न रिसर्च ट्रायल भी इस प्रक्षेत्र में लगाई जा रही है। फोरेज फसलों का एक्रिप भी इस सेंट्रल फार्म में चल रहा है, जिसमें चारे के लिए विभिन्न फसलों जैसे जई, जो और मिलेट्स आदि का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस सेंट्रल फार्म में फलों के ऑर्चर्ड मॉडल भी विकसित किए जा रहे हैं। इन फलों को प्रदर्शन इकाई, IFS मॉडल, रेज बेड, तालाब के किनारों पर और कृषि पर्यटन स्थल के आसपास लगाए जा रहे हैं। प्रदर्शन इकाई और डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट में केले की किस्म ग्रांड नेने लगाई गई है, जो अभी फल देने स्टार्ट कर दी गई है। इस रेज बेड में थाईलैंड गुआवा के साथ ड्रैगन फ्रूट की किस्म रेड फ्लैश लगाई गई है और मैंगो की किस्म मलिका, लीची की किस्म शाही, कचाई लेमन, ट्री बीन जो यहाँ का लोकल प्लांट है और सहजना आदि फल वाली फसलें लगाई जा चुकी है। तालाबों के आसपास फलों में जैसे ड्रैगन फल की किस्म रेड फ्लैश, पपीता की किस्म अर्का प्रभा और मैंगो की किस्म मलिका, लीची की किस्म शाही, कचाई लेमन, ट्री बीन्स वह सहजना आदि वाली फसलों को लगाया गया है। मणिपुर का फेमस पौधा जो कि ट्री बीन है, उसको भी सेंट्रल फार्म पे लगाया जा रहा है। एग्रो इको पर्यटन स्थल में केला की किस्म ग्रांड नेने के लगभग 100 पौधे लगाए जा चुके हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत के कृषि और किसान कल्याण विभाग के वित्त पोषण के तहत ऑयल पाम का सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल को दिया गया है, जिसको सेंट्रल फार्म के अंदर स्टार्ट किया गया है, जिसके लिए हमने 2 हेक्टर क्षेत्र भूमि को लिया गया है। ऑयल पाम की किस्म तनेरा को 9x9 मीटर में लगाया गया है। इस ऑयल पाम प्रक्षेत्र में मौसमी फसलों की इंटरक्रॉपिंग की गई है, जिसमें ब्रॉड बीन जो कि यहाँ का लोकल बीन्स है, प्याज है, मटर है, पालक है, गोभी है, मेथी है, आलू है, धनिया है आदि को एज ए इंटरक्रॉपिंग ऑयल पाम के अंदर लगाया गया है।